आपके टाइम पे रिलेशंस के क्या मायने थे और आज के टाइम पे क्या मायने हैं मतलब तो आप क्या चेंज देखते हैं आज के टाइम पे ये जरूर समझाओ कि जो रिलेशनशिप बचपन में बने स्कूल में बने वो बिना किसी गिव एंड टेक के रिलेशनशिप थे वो आज भी उतने ही मजबूत हैं जो बचपन में थे दुनिया में सबसे अमीर कब था मैं आपको बताऊं मैं न्यूज़पेपर साइकिल पे बेचता था तो हमारे जमाने में मैट्रिक का रिजल्ट पेपर में छपाई करता था उसको हम एस एस रिजल्ट बोलते थे उस समय इंटरनेट कंप्यूटर नहीं था और हमने मेरे को याद है पुना में पु, पुना हेरल करके इंग्लिश पेपर था दोपहर दो, दो बजे गया पेपर साइकिल पे लगाया टांग मारे अलाए एस एस रिजल्ट चिल्लाया दस मिनट के अंदर सब चार आने का आठ आना छह आना प्रीमियम से फटाफट खत्म हो गया हाँ। चालीस रुपया ये हाथ में चालीस रुपया ये हाथ में ऐसा दोनों लेके मैं आसमान की तरफ देख रहा था उस दिन में दुनिया का सबसे आमिर था मेरे को अस्सी रुपये याद आया मैं तो ये कहूंगा कि कन्फ्लिक्ट होना किसी भी रिलेशनशिप में एक स्वाभाविक चीज है और एक अपॉर्चुनिटी है उस रिलेशनशिप को उसके अंदर बॉन्ड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मुझे खुशी है कि आज मैं क्रिएटिव लोगों के बीच में हूँ जितना कुछ मुझे बताया गया या मैंने समझा आप लोगों के बारे में मुझे लगता है कि मैं कुछ आप लोगों को ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा पर हो सकता है इस इंट्रैक्शन के द्वारा मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले और आप जो अपने मेरे व्यूअर्स जो बैठे हैं घर में इस शो को देख रहे हैं आज मैं हूँ पूना में डी एस के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आज हमारा विषय है कि रिलेशनशिप्स के, के मायने क्या तो रिलेशनशिप का महत्व क्या है ज़िंदगी में और जब बिगड़ जाए तो उसको कैसे ठीक करना कैसे संवारना कैसे बनाना ये आज का विषय है मैं बल्कि मैं कुछ खुद कहूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ बताएँ मुझे आपके मायने आपके मन में रिलेशनशिप के क्या मायने हैं It's a bond which uh, people share and nurture through lifetime. OK. Any other way, any other view? Uh, relationship is understanding each other. No, that's an outcome. Hai. Relationship ka right, outcome. It doesn't mean Good morning, sir. I think, for according to my opinion, relationship is support system. Relationship is a support system. Hai. Yeah. Ji. According to me, relationship is an interaction where we add value to each other's life. No. वो तो कैसे मेंटेन करते हैं आप वो उसका मायने इंट्रैक्शन तो रिलेशनशिप होने के बाद आप करते रहते हैं हाउ टू अगर सवाल करें तो आपकी बात ठीक होगी जी रिलेशनशिप बीइंग और वी कैन से एक एसोसिएशन को इन्होंने रिलेशनशिप का नाम दिया वेरी गुड जी बताइए इट्स बिटवीन टू पीपल and which, hears, which having uh, care, understanding, and all of these things, which is important for a living being. thank you. And we can say it is an abstraction belonging to or a characteristic between two entities or between here. now we're sitting here in front of you. this is also a relationship between you and us. this no. is like an abstract. This is a complete abstract, abstract. or a vista between two entities that's or two what, hearts. That's here. what I'm learning now. You are saying that abstract between the two entities. That's a new explanation for me also. Thank you for that. ये छोटा सा आपने हमने नमूना देखा कि relationship क्या है relationship के मायने क्या हैं और अलग-अलग विचार जब सुनेंगे आदमी अब दूसरे का एक्सप्लेनेशन सुनेगा तो कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलेगा आज मैं आपको और खासकर हमारे व्यूअर्स जो घर में बैठे शो देख रहे हैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलाना चाहूंगा जिस व्यक्ति ने रिलेशनशिप के आधार पर अपनी जिंदगी बनाई इस व्यक्ति ने जो कि अपने जवानी में जब उसने ज़िंदगी के सफ़र शुरू किया बहुत एक छोटे काम से शुरू किया पुराने ज़माने में पुराने जो टेलीफोन आते थे तो उसका माउथ स्पीकर जो होता था उसमें आदमी का श्वास और सब कुछ जाता था इसने शुरू की अपनी ज़िंदगी उस माउथ पीस को फोन को साफ करके उसमें थोड़ा सा सेंट लगा देने की और वहीं उसको देखिए कितने मजे की बात है वहीं उसको रिलेशनशिप में एक दूसरी लड़की जो वो भी एक ऐसा ही काम करती थी साइकिल पर जाके वो मिली जो बाद में उनकी धर्मपत्नी बनी आज ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने जिंदगी में जब महालक्ष्मी की कृपा हुई उनके ऊपर इन्होंने लगभग चालीस हजार लोगों को रहने के मकान दिए और इनका ये कहना है कि वो सबसे रिलेशनशिप रखे हुए हैं ना कि रिलेशनशिप रखे हुए हैं लेकिन ये साथ में ये भी कहते हैं कि मैं जी अपने ग्राहकों की पॉकेट में हाथ डाल के पैसा नहीं निकालता बल्कि उनके नेटवर्क को इस्तेमाल करता हूँ जिससे मेरा कारोबार दिन दुगना रात चोगना बढ़ता है वट ए वे ऑफ सक्सेसफुल बींग सक्सेस फ्रेंड्स आई एम प्रेजेंटिंग यू मिस्टर डी एस कुलकर्णी प्लीज गिव अग हैंड टू मिस्टर डी एस कुलकर्णी आपके बनाए हुए कुछ एनिमेटेड टेलीविजन प्रोग्राम विदेशों में कामयाब हुए हैं और आपने अपने आप को केवल बिजनेस करने धन कमाने तक सीमित नहीं रखा समाज को देना भी जानते जो देना जानता है वो रिलेशनशिप के मायने भी जानता है क्योंकि रिलेशनशिप में केवल एक तरफा लेना ही ठीक नहीं होता वो रिलेशनशिप एक तरफा चलती नहीं है ज़्यादा टाइम तो इन्होंने देना भी शुरू किया रूरल बैंकिंग करते हैं और तरह के बहुत से सोशल पूरी करते हैं कुलकर्णी आज आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपने रिलेशनशिप का महत्व कब समझा और कैसे समझा जब मैं जो वस्ते में पैदा हुआ पुना के अंदर एक रूम में रहता था उसको कष्टकारी वर्ग रहते थे कस्बा पेट बोलते तो जो भी हम स्कूल छूटने के बाद कॉरपोरेशन के बाद जब घर आते थे बारह साढ़े बारह बजे तो माँ स्कूल में जाती थी टीचर से कहने के पिताजी पोलिस कांस्टेबल थे काम को जाते थे खाना खाना और बाहर जाके क्या खेलना खेलने के लिए कुछ नहीं था टीवी नहीं था वो जमाने में रेडियो भी हमारे आमिर मौसी के पास था तो जो मेरे दोस्त थे वो पूरे कोई बेरी बेचने वाला कोई होटल में काम करने वाला कोई सुपारी की पूड़ी भरने वाला तो वाला आप देख सकते हैं तो वो रिलेशन जो बचपन से दोस्ती के रिलेशन है जो मेहनत करने वाले हैं जो टांगे वाला था उसको घोड़े को हम उसको खरारा बोलते मराठी में उसके पिताजी बोलते थे पहला चल काम कर तबेला साफ कर फिर खेलने को जाओ तो जब हम प्यार से घोड़े को खरारा करते थे ऐसा मॉलिश करके देते थे प्यार से उसको चना खिलाते थे तो उसके आंखों में जो प्यार लगता था तो पहला प्यार पहला रिलेशन मैंने घोड़े से सीखा कि एक मूका आदमी एक जो जिसको बोलने नहीं आता वो आंखों से बात करता है बहुत अच्छा तो बहुत अच्छा बात ये कुलकर्णी साहब मुझे एक याद दिलाता है मेरे बचपन की जब मुझे हिसार एक छोटे से गांव में कस्बे में रहता था मैं तो हमारे दादाजी मेरे दादाजी जो थे ग्रैंडफादर वो मुझे कहते थे बेटा ठगाओगे तो ठाकुर बोले जाओगे नॉर्थ इंडिया में एक भाषा है जो आदमी मज़बूत और जो ताकतवर और साथ में सबसे जिसको प्रेम होता है उसको जब कहते हैं तो एक प्रेम से उसको ठाकुर कहते हैं तो मुझे कहते थे ठगाओगे तो ठाकुर बोले जाओगे और घर से जब हम निकलते थे तो पॉलिश जूते की पॉलिश करने वाला व्यक्ति उस समय में आधा आना दो पैसे लेता था वो उसको आधा आधा आना दो पैसा एडिशनल हम दे देते थे तो उसके लिए ठाकुर हो गए रिक्शा वाले को कहीं जाना है दो आने की जगह तीन आना दे दिया तो मतलब चार आने में आदमी ठाकुर कहला सकता था यही बात आपसे सीखी मैंने क्या आप आज भी उस रिलेशनशिप को अपने सक्सेस के सक्सेस के अंदर बहुत भागीदार मानते हैं यस सर वही रिलेशनशिप पे जिंदगी चली है आज भी मेरे को जबी जब भी मौका मिलता है तो वही मैं सब्जी मार्केट में जाता हूँ वही पुराने दोस्तों को ढूंढता हूँ वो भी मेरे उम्र के हो गए उनके बच्चे आ गए कोई बढ़ गए कोई वहीं रहे लेकिन रिलेशन भूलना तो बहुत गलत है रिलेशन के सिवा कुछ नहीं होता है तो आज भी वही चल रहा है और मैं आज भी मेरे को वही दिन आते हैं मैं दुनिया में सबसे अमीर कब था मैं आपको बताऊं मैं न्यूज़पेपर साइकिल पे बेचता था तो हमारे जमाने में मैट्रिक का रिजल्ट पेपर में छपाई करता था उसको हम एस एस सी रिजल्ट बोलते थे उस समय इंटरनेट कंप्यूटर नहीं था और हमने मेरे को याद है पुना में पुना, पुना हेरण करके इंग्लिश पेपर था दोपहर दो, दो बजे गया पेपर साइकिल पे लगाया टांग मारी अलाए एस एस सी रिजल्ट चिल्लाया दस मिनट के अंदर सब चार आने का आठ आना आना प्रीमियम से फटाफट खत्म होंगे मेरे पास अस्सी रुपये की चिल्लर आई अस्सी रुपए की चिल्लन मैंने में के ये खिसे में डाला तो पाइजमा नीचे नीचे जाने लगा मैंने बाहर निकाला चालीस रुपए ये हाथ में चालीस रुपए ये हाथ में ऐसा दोनों लेके मैं आसमान की तरफ देख रहा था उस दिन में दुनिया का सबसे अमीर था मेरे को अस्सी रुपये याद आते तो रिलेशन क्या तो वही बचपन वही दोस्त वही मेहनत करने वाले लोग वो आज ही याद आते हैं आज छः हजार करोड़ का बिजनेस करते हुए छः गिन भी नहीं सकता लेकिन याद आते अस्सी रुपये रिलेशन बचपन के हैं जो गरीबों के मेरे दोस्त थे वो कभी गरीब नहीं थे हम हमेशा बोलता था हम एक रूप में नहीं रहते थे हम एक रूप में रहते थे लेकिन किसी ने पूछा तुम्हारा बचपन कैसा था मैं अमीर था मेरा सौ रूम था कम से कम मतलब अरे हर एक का रूम अपना ही था कौन किसके भी घर में खाना खाओ बैठो सो जाओ अगर बच्चा साढ़े सात बजे तक घर में नहीं आया तो माँ बोलते थे बाजू के चौहान के घर में बैठा होगा चिंता नहीं आठ बजे नहीं आया अरे उधर ही खाना खाया नहीं आया होगा तो आपके जो आसपास मोहल्ले में और थे जितने घर थे वो, तो थे, वो भी आपके, आपके ही घर थे ऐसा ही बचपन उसको ही तो रिलेशन बोलते हैं ना जात ना पात ना धर्म ना नाम ना, ना लैंग्वेज जो है वो अपना है बाट के खाओ अरे हमारे मराठी में कहते हैं मुठभर धोंदड़े पेरले तो पोतों पर उगाता हाँ। अगर आपने इतने से डाला तो पोतों भर उगा अब इतना सा रिलेशन मेंटेन करो देखो भगवान कितना रिटर्न देता है भगवान इज एको पॉइंट पॉइंट ये आप कैमरा में अगर देखेंगे तो आज लगभग दो करोड़ लोग आपको ये शो के द्वारा देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे आपकी कोई ऐसी कोई घटना जिंदगी की जिसमें आपने रिलेशनशिप के कारण बहुत फायदा लिया हो आपने या किसी को दिया हो ऐसा कोई उदाहरण मेरे दर्शकों को बताइए नहीं हमारा तो देने की आदत है आप देते रहो हमारे मराठी में तो यही विंदा करंदी करके कविता बहुत फेमस है देना रहने दे जावे घेना रहने रावे एक ही दिवसीय घेना रहने देना रहे के हाथस तो यानी तो देने को जिसको, की जिसको लेने की आदत पड़ेगी वो जिंदगी भर लेता ही रहेगा मांगता ही रहेगा कभी आगे नहीं बढ़ेगा और जिसको देने की आदत होगी उसको भगवान इतना देगा कि वो देता ही रहे देता ही रहे यही बात है ना यस yes, जी बहुत अच्छा विचार है आपके पर फिर भी उनको आप कुछ घटना तो बताइए दर्शकों को मेरा जिंदगी बोले तो सबकी कॉमन है घटना खाली मेरे को आज चांस मिला आपके वजह से टीवी के सामने आया तो इंडिया में ऐसे काफ़ी है पूरे दुनिया में मेहनत करने वाले लड़के रहते हैं अपने अपने मेहनत से बहुत बड़े हो जाते हैं अभी बड़ों की व्याख्या अगर आप पैसे वाला कितना उसको बड़ों की व्याख्या नहीं करो जो चैन से सो सकता है रात को मेहनत करने के बाद वही मैं उसके हिसाब से बड़ा समझता हूँ जो समाज को ज़्यादा से ज़्यादा सुख देता है खुशी देता है अपने परिवार को सुख की खुशी देता है वही मेरे हिसाब से अमीर है तो नेचुरली मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं डॉक्टर जी आपके वजह से मेरे को सामने को आने को मिला मैं इतना ही कहता हूँ कि जो भी मेरे जिंदगी में बचपन के मेरे जितने आजू बाजू के दोस्त थे उनसे मैंने काफ़ी चीज़ सीखा फॉर एग्जाम्पल मैं जब बेरी बेचता था तो बेरी मेरा ही ज़्यादा बेचा जाता था सामने दूसरा बेरी वाला था वो दूसरा बेरी वाला स्कूल के बाहर हम जब बैठे थे तो उससे प्रेजेंटेशन सीखा मैंने व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन तो अगर जो दूसरा बेरी वाला था वो पायजामा शर्ट वाला बेचारा गरीब था दिस स्टोरी ऑफ नाइनटीन फिफ्टी उसका पायजामा पूरा पड़ा हुआ उसकी टोपी भी तेरी उसमें वो पसीने का पूरा डाक गिरा हुआ शेविंग नहीं की हुई और ऐसा वो वाला, सामने दूसरा बेरी वाला स्कूल का लड़का डीएस स्कूल का नहीं उसका नाम और वो हाफ पैंट है हाफ पेंट को माँ ने रफू किया है लेकिन दिखता नहीं क्योंकि माँ ने रफू किया है उसको हमने स्त्री कैसे करते थे रात को सोते समय सिर के नीचे रहते थे <laughs> और ऊपर सफेद हाफ शर्ट था हाफ शर्ट को ये मजा तो और कोई नहीं करेगा हम इसके अंदर वो लोटी के अंदर कोयला कोयला डाल के, पानी डाल, कोईला के, कोईला डाल, कोईला कोईला डाल के के वो करते थे रबरी चप्पल और आज भी मैं तेल लगाता हूँ नहीं मेरा लड़का भी नहीं लगाता माँ चिल्लाती थी भांग गड़ा के तेल लगा के जाओ तो प्रेजेंटेशन ये रिलेशन का जो सुथरे रहते थे, थे, थे आप या साफ सुथरे रहते, रहते थे।, थे उससे बचपन से सीखा इसलिए जब ये टाई कब लगाए टाई की दूरी कब गले में डाला जब मेरे को एस एल कि सॉरी पी एल किर्लस्कर ने बोला कि हे बेटा तू बॉम्बे में जाके ताज में फोन साफ कर सकता है क्या मैं बोला चलो दे दो लेटर उन्होंने दे दिया मैं लेटर लेके गया ताज के बाहर इनोसेंट था उन्हें बाहर का जो दरवाजा था छह फुट वाला उसको बताया अभी उसको क्या इंग्लिश आता है उसको लगा मैं नौकरी मांगने आया उसने रिकेमेंड किया था कि इनको फोन साफ करने का बिजनेस था उसने मेरे दंडा मार मार के भगाया मार मार के मैं एक प्यार से बोल रहा हूं तो मैं सीधा मेरा करके पास है देखो मेरा जो स्टाइल है कपड़े का वो हिसाब से उसने मेरे को नहीं अंदर लिया हमारे जमाने में वो ऐसा गुड़गे तक की उसको बेल बॉटम बोलते हैं इधर तक टाइट नीचे पाए जमा ऊपर से आधा शर्ट पाँव में चप्पल हाथ में बैग वो कैसा छोड़ेगा अंदर किर्लोस्कर ने 100 रुपया निकाल के दिया आठ से बराबर कपड़े डालने का पैंट में जूते नहीं शूज डालने का टाई लगाने का पूरा शर्ट पहनने का उस दिन से प्रेजेंटेशन सीखा तो जिंदगी में रिलेशन में कोई ना कोई सौ रुपया निकाल के देता है कोई कैसा रख अच्छा रखना सिखाता है तो रिलेशन के वजह से एक दीपक सकराम कुलकर्णी जो एजुकेशन में बहुत भारी नहीं सीखा हूँ मैं क्योंकि पूरा बचपन मेरा कॉरपोरेशन स्कूल में गया लेकिन आज रिलेशन के वजह से मैं ये पहुँच इस तक पहुँच गया इसलिए आज भी सर वी आर वर्किंग इन कोरिया चाइना जापान वी आर द अमेरिका इंग्लैंड तो बिजनेस लैंग्वेज में इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है रिलेशन हर जगह जाओ रिलेशन में आप आपके दिल की भाषा आसान से बोल सकते हैं समाज आपको हेल्प करने के लिए बैठा है इसलिए हम हमारा जो भी कमाते हैं उससे दोगुना हम देना चाहते हैं समाज को इसलिए डी एस कुलकर्णी फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट काम करता है क्यों क्योंकि हमारे मराठी में हम बोलते हैं समाज आचे देने दे तो आनंद आने सबसे बहुत रिटर्न करना प्यार से रिटर्न करना तो दोस्तों हैं आप आई विल से टू एवरीबडी गिव मिस्टर कुलकर्णी ए स्टैंडिंग ओवेशन थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर सो दोस्तों आपने देखा अभी दीपक सखाराम कुलकर्णी जिस व्यक्ति ने तीस रुपये महीना कमाते थे लोगों के फोन साफ़ करके किस प्रकार से उनके जो संबंध रिलेशनशिप कहाँ से कहाँ उनको लेके गए जब ताज होटल में उनको काम देने के लिए मिस्टर किर्लोस्कर ने जब उनको एक रिकमेंडेशन लेटर दिया तो उनके कपड़े देखकर उसको दरबान ने उन्होंने निकाल दिया लेकिन किर्लोस्कर जी ने क्योंकि इनके रिलेशन थे उन्होंने इसको सौ रुपया उस समय में दिया 1958 में तब उन्होंने एक सूट बनवाया टाई पहनना शुरू किया वापिस फिर ताज में गए वहाँ काम करने शुरू किया और वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते आज उसका डी एस के फाउंडेशन लोगों को देने के लिए है आज भी वो रिलेशनशिप पे अपने आप को निर्भर मानते हैं ये एक पावर होती है रिलेशनशिप की ये आपने देखा कि रिलेशनशिप की क्या ताकत है तो जिंदगी में कामयाब होना है तो रिलेशनशिप ज़रूर रखना आवश्यक है मैं भी अपने जीवन की एक घटना आपको बताता हूं। मेरा बचपन बहुत पैसे में गुजरा लेकिन पेरेंट्स क्योंकि इस प्रकार के बिजनेस में थे जो कि अप डाउन बहुत होता था स्पेकुलेटिव बिजनेस था तो जब सत्रह साल का हुआ कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में अठारह साल का पढ़ने गया वापिस बुला लिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि फीस देने को पैसे नहीं हैं। घर में आके वापस अपना फैमिली का बिजनेस पल्सिस प्रोसेसिंग का शुरू किया तो वर्किंग कैपिटल नहीं था तो इसी प्रकार से एक रिलेशनशिप बने एक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर से और उसको हमने कहा कुछ आइडिया शेयर किया उन्होंने उस रिलेशनशिप की वजह से ही अपने ऑफिसर्स को मिला कर के हमको एक नया काम इस देश में शुरू हुआ जब हमने क्या किसी पहली बार आर्मी को सप्लाई हम जैसा आदमी कर पाया जिसके पास पैसा भी नहीं था तो रिलेशनशिप की बहुत पावर है इसके साथ ही जो हम सुबह डिस्कशन पे थे उस बात को वापस आता हूँ और जो अगर आप डिक्शनरी की मायने अगर रिलेशनशिप के जाना चाहें तो ये वो कहता कि ये एक ऐसी कंडीशन है इट इज़ ए कंडीशन और ए फैक्ट ऑफ बीइंग रिलेटेड कनेक्टेड और हैविंग एन एसोसिएशन उसका ये मायने रियल में एक डिक्शनरी का मायने दिया इनका कनेक्शन मतलब आप ने किसी न किसी कारण से किसी से जुड़े हुए हैं whatever this gentleman said here what's your good name rahmatullah pashtun from afghanistan from afghanistan yes thank you very much you gave us a meaning which i correct me if i was wrong or i am wrong in understanding that we can establish a connection even with a short time it, today when you are listening to me i am talking to you we have a connection yes, exactly. and that is a relationship we have developed. it may last till this show lasts, or it may continue later on. you may tomorrow think about it, you may remember this show, you may say that subhash chandra was talking sense or he was talking nonsense. so you will have a relationship. maybe it is a negative relationship, negative feeling, negative remembrance. but there would be a connectivity between the us. और इट में स्टॉप हेयर इट्स थैंक यू राम फॉर सो मच थैंक यू गिविंग ए न्यू डेफिनेशन एटलीस्ट टू मी एंड ऑफ़ कोर्स किसी ने यह भी कहा कि रिलेशनशिप जो है वो एक पक्षी की तरह से है इस लाइक ए बर्ड पक्षी को अगर बहुत ज्यादा मजबूती से पकड़ेंगे वो पक्षी मर जाएगा इसी तरह से रिलेशनशिप में भी उसने कहा कि अगर रिलेशनशिप को मेंटेन करना है अगर बहुत ज़्यादा उससे क्लिंग करोगे उसको अपने जो भी जिससे भी रिलेशनशिप हो आपके अगर उसको थोड़ा कुछ स्पेस नहीं दोगे तो वो रिलेशनशिप किसी न किसी स्टेज पर सफोकेट करने लगेगी परेशान करने लगेगी और दोनों में से एक व्यक्ति शायद उस रिलेशनशिप से दूर होने की कोशिश करे So, it's like a bird. If you hold it tightly, it can die. But hold it light, then this relationship can fly. It can continue. It can go to the higher and higher heights of the relationship. And if you hold them with care, then it remains there forever. In three things, if you are holding it too tight, if you are...

If you have understanding and trust, uh, uh, trust, obviously a relationship would fly. Yes, trust and, and understanding. understanding. Yes. Sir, it is, a relationship is good when both are being benefited. Like, uh, if one is. Uh, it is a win win situation, not a win lose situation. you You scratch my back and I do yours. <laughs> Wo relationship na not. Win win hona not. mutual respect is mana. लेकिन विन विन रिलेशनशिप तो वो फिर ट्रांजैक्शनल हो गया इसमें मुझे एक बात याद आती है हमने पीछे एज ए मीडिया चार साल पहले भारतीय पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया और इस बिल में दो बिल एक्चुअली लाए गए जो कि एक बिल ऐसा था कि अगर पत्नी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर दे कि मेरा पति मुझे इल ट्रीट करता है तो पुलिस पहली बार वार्न करेगी दूसरी बार उसको गिरफ्तार कर लेगी उनको कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से वो इल ट्रीट करता दूसरा बिल वो ये लाए कि यदि कोई बच्चा भी भले ही किसी भी एज का हो पांच छे साल से ऊपर हो बोल सकता हो पांच छे साल की उम्र से बीस बाईस पच्चीस साल का किसी भी उम्र का हो या हो लड़की हो वो यदि कंप्लेंट करे कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया तो पेरेंट्स को भी वो इसी तरह से पहले वार्न करेंगे दूसरी बार गिरफ्तार कर लेंगे तो हमने इस बात को अपोज किया आप शायद कहेंगे कि आपने गलत अपोज किया कि हमें ये लगा कि भारतीय संस्कृति इतनी कमज़ोर नहीं है जिनको उसी प्रकार का वातावरण मिला है कोई गाइड करने वाला नहीं है वो कई जगह ऐसे किस्से हैं जो आदमी अपने औरत को इल ट्रीट करता है लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी किस्से हैं जैसे सिक्किम सिक्किम भारत का ही एक अंग है सिक्किम के अंदर एक परंपरा है कि वो लड़का लड़की के घर आता तो वहाँ पे ऐसे किस्से भी देखेंगे कि वो लड़की अपने पति से इल ट्रीट करती लेकिन ये सब होने के बावजूद भी बाय एंड लाज पति पत्नी के रिलेशन हिंदुस्तान में अच्छे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि डावोर्स रेट भारतवर्ष में पॉइंट ज़ीरो जीरो टू परसेंट है जो कि एक विकसित देश में बिना उसका नाम लिए कहूँगा पहली शादी सिक्सटी फाइव परसेंट टाइम डावोर्स में कन्वर्ट होती तो ये भी स्थिति है और जहाँ वैसे ही देशों में क्योंकि डावोर्स हो जाते हैं पति पत्नी के बीच में बच्चा या बच्ची चाहे वो पति की हो चाहे पत्नी की हो वो नए रिलेशन में आ जाती हैं तो वो आदमी भी उसको लड़की को इल ट्रीट करता है या लड़के को इल ट्रीट करता है इंडिविजुअल सोसाइटी है तो वो कई बार ऐसे भी किस्से होते हैं ज़्यादातर कैसे इससे ऐसे, ऐसे किस्से होते हैं कि वो आदमी ड्रगिस्ट है कुछ है वो अपनी स्टेप डॉटर को इल ट्रीट करता है वहाँ ये रिलेशनशिप्स हैं देखिए हिंदुस्तान में अगर आप एग्रीमेंट से रिलेशनशिप बनाएंगे एग्रीमेंट किया आपने कि मैं अपने पत्नी को ठीक से ट्रीट करूँगा आज से मैं लिख के देता हूँ अंडरटेकिंग पुलिस को देता हूँ या आज से मैं अपने बच्चे को कभी थप्पड़ नहीं मारूंगा आप मुझे बताइए आप में से कितने लोगों को आपके पेरेंट ने इल ट्रीट किया थप्पड़ तो मारा होगा जरूर कभी ना कभी खैर आप कहते थप्पड़ भी नहीं खाए हमने बहुत थप्पड़ खाए हैं लेकिन जब पिताजी मारते थे तो मेरे भले के लिए मारते थे माँ मारती है तो अपने बच्चे को भले के लिए मारती है बल्कि माँ की मार में तो मार थप्पड़ लगता भी नहीं है पाप, बाप की मार पे तो थप्पड़ जोर से लगता है भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है दोस्तों जिसमें के रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट से हो या एग्रीमेंट्स बना के किए जाए अभी आपने कुछ देर कहा था कि इंडिया में बहुत कम तलाक होते हैं डिवोर्स होते हैं जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट होते हैं मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ कि इस कारण नहीं होते हैं क्योंकि रिलेशनशिप बहुत अच्छा है बहुत बार ये भी कारण रहता है कि लोग समाज के डर से नहीं करते हैं रूढ़ीवादी सभ्यता जो बहुत दिनों से चली आ रही है उनके कारण लोग नहीं करते हैं तो इससे हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि ऐसी रिलेशनशिप को खत्म कर देना चाहिए जो नहीं चल रही है क्योंकि उससे घर का माहौल खराब होता है और जो आने वाले बच्चे हैं उन उनपे असर पड़ता है तो लोगों को यह समझना चाहिए कि, कि कब क्या खत्म करना चाहिए और कब क्या आगे बढ़ना चाहिए बहुत एक एक ये अलग से पॉइंट ऑफ व्यू है मैं रेस्पेक्ट करता हूं उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन एक संशोधन करना चाहूंगा आपका नाम क्या है रोहित आनंद रोहित आनंद रोहित आपकी बात से एक ही बात को करेक्शन करना चाहूंगा कि बहुत बार नहीं ज्यादातर समाज उस संबंध की ओनरशिप ले लेता है और इसलिए वो संबंध बिगड़ने नहीं देता समाज का डर नहीं जब एक भारत में एक चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे गुजरात में हो चाहे किसी पंजाब में हो लड़के लड़की की जब शादी होती है तो रिश्ते कराने वाले कुछ अलग लोग होते हैं शादी जब होती है तो सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसका मकसद एक है कि ओनरशिप समाज ले लेता है उस शादी की और जहाँ कहीं लड़की से गलती हुई या लड़के से गलत हुआ समाज उसी वक्त खड़ा हो जाता है वो उठ के सामने बात करने लगते हैं कि भाई इसको समझाओ यार मुल्के को समझाओ मैं तो ये कहूँगा कि कन्फ्लिक्ट होना किसी भी रिलेशनशिप में एक स्वाभाविक चीज़ है और एक अपॉर्चुनिटी है उस रिलेशनशिप को उसके अंदर बॉन्ड को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन में ही आप अपने कन्फ्लिक्ट को ठीक कर सकते हैं उसको समझ सकते हैं कि वो गलत था या मैं गलत था और जब समझ में आता है कि कौन गलत था और वो दूसरा आदमी अगर रिकग्नाइज करता है उसको स्वीकार करता है तो आपस में बोन्स ज़्यादा बढ़ते मुझे नहीं पता आप लोगों का मुझे तो बहुत बार हुआ जब नई नई शादी हुई थी तो महीने दो महीने में झगड़ा होना ही चाहिए एक बार बीवी से और बीवी भी गुस्से में कह देती ठीक है अगर आपको नहीं जमता तो मैं अपने मायके चली जाती हूं लेकिन एक दो घंटे बाद छह घंटे बाद नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अगले दिन फिर एक दूसरे से अरे छोड़ो ना यार तुम क्यों गुस्सा हो गई थी अच्छा <laughs> रूठने मनाने की प्रक्रिया भी एक हेल्दी प्रक्रिया है यस yes. सर आपके टाइम पे रिलेशन के क्या मायने थे और आज के टाइम पे क्या मायने मतलब आप क्या चेंज देखते हैं आज के टाइम पे ये ज़रूर समझाओ कि जो रिलेशनशिप बचपन में बने स्कूल में बने वो बिना किसी गिव एंड टेक के रिलेशनशिप्स थे वो आज भी उतने ही मजबूत हैं जो बचपन में थे लेकिन जब से बिजनेस में आए जैसे जैसे कामयाब हुए वो रिलेशनशिप जो बने वो किसी कारण से बने मैं ये नहीं कहता कि वो बुरे हैं या गलत हैं वो लोग लेकिन वो कहीं झलक जाता है कि ये शायद किसी ने कहा था कि दोनों का विन विन होना चाहिए ट्रांजैक्शनल ना हो तो वो कई रिलेशन ट्रांजैक्शनल हो जाते हैं कभी कभी रिलेशनशिप में इमोशनल अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है so आपको लगता हा? है कि इमोशनल अटैचमेंट इज हेल्दी और शुड बी शुड बी बी माइंडफुल अबाउट इट डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप पर्सनल है या प्रोफेशनल है जहां प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हों वहां पे आपको अपने इमोशंस का एक दायरा बनाना पड़ेगा एक सीमा बनानी पड़ेगी जहां तक पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें तो जितने इमोशन स्ट्रोंग होंगे उतने ज्यादा रिलेशनशिप मजबूत भी होगी लेकिन कई बार उसमें झगड़े भी होंगे कन्फ्लिक्ट भी ज्यादा आएंगे लेकिन उन इमोशंस को जिस वक्त वो कंफ्लिक्ट सिचुएशन हो उस समय में थोड़ी देर अपने आप को इतनी ताकत आप में होनी चाहिए कि इमोशंस को दूर रख के उसको कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किया जाए और कर सकते हैं आप जरूर आपके मन में भी होगा कि कन्फ्लिक्ट कोई भी आदमी अपना उदाहरण देना चाहेगा कोई लड़की कोई एनी ऑफ यू फ्रेंड्स जो बताना चाहे कि उन्होंने अपना कन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज किया कैसे रिपेयर किया Uh, with my roommates, because with different uh, kind of people with different behaviors from different backgrounds, when we come together we a lot of conflicts happen, and to deal with those conflicts, we do have to uh, heal it and we have to uh, sort it out so I have uh, a lot of uh, many times I have done that so you communicate with each other yeah, we communicate, and also we solve the problem through uh, Many uh, with other friends, and we discuss it, or with the person that we have the issue. Kaha, where are you from? From Afghanistan. From Afghanistan. Yes. Very good. Thank you. Yes. Sir, <laughs> my girlfriend. hamara We have a relationship for one and a half years. Rajasthan? No. From Gujarat. <hum> ho? Se ho? Gujarat, se ho. <laughs> Gujarat? No. <chhu>. Gujarat. <laughs> <Haan. laughs> no. Sir, one and a half years. We have हर हफ्ते में दो तीन बार झगड़ा होता ही रहता है हाँ। लेकिन हर बार मैं ही टॉलरेट करता हूँ हाँ। क्योंकि वो जब भी झगड़ा होता है तब बोलती है कि अब ब्रेकअप कर देते हाँ। तब मुझे डर लगता है मैं क्या चलो थोड़ा। मैं सबर अब थोड़ा मैं सब्र कर लेता हूँ अब थोड़ा वक्त टाइम लेता हूँ शादी हो जाएगी तो बताऊंगा <laughs> ऐसा आता है मन में क्या <laughs> हाँ ऐसा होता है कभी ये देखिए फिर भी सर थोड़ा मतलब मैं, मैं टॉलरेट कर लेता हूँ और फिर सोचता हूँ उसे अच्छी अच्छी बातें याद दिलाता हूँ ऐसा है ऐसा वैसा <laughs> फिर बाद में मैंने ऐसा किया तुम्हें शॉपिंग करके लाया तुम्हारे जन्मदिन पर तुमको ये तोहफा दिया <laughs> ये सब बातें याद दिलाते <laughs> हाँ, तो फिर, फिर हो जाता है सब सॉल्व अच्छा सब सॉल्व हो जाता आखिर <laughs> जब कंफ्लिक्ट कई बार आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कन्फ्लिक्ट इस आदमी से या इस व्यक्ति से इस रिलेशन में लेना है इसलिए मैं ये कहता हूं कि चूज योर कन्फ्लिक्ट ऑल्सो उसको वे करो कि क्या इज इट वर्थ टेकिंग फाइट विद सो एंड सो पर्सन खासकर बिजनेस में अब आप आगे जाएंगे बिजनेस में पढ़ेंगे कंपटीशन भी होगा बहुत तरह के अच्छे बुरे तजुर्बे आपको आएंगे तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कन्फ्लिक्ट को भी चुनो खुद हर आदमी से कन्फ्लिक्ट नहीं होने दो उसको सोचिए कि ये कन्फ्लिक्ट मुझे कहाँ तक ले जाएगा इज इट वर्थ फाइटिंग इज इट नॉट वर्थ फाइटिंग ऑल्सो जब कन्फ्लिक्ट है तो उसको एक्नॉलेज करिए कि हाँ है उसको कारपेट के नीचे दबाने से वो कन्फ्लिक्ट दूर नहीं हो जाएगा चला नहीं जाएगा और यू विजुलाइज दल्टरनेटिवस जैसे उसने गुजराती दिगड़े ने सोचा कि भाई अब क्या करेंगे अब तो ये गर्लफ्रेंड तो मेरी मुझे पसंद है मुझे इससे शादी करनी है तो कुछ भी करें तो उसने विजुलाइज़ किया अल्टरनेटिव क्या होगा कि अगर ये कन्फ्लिक्ट को हम आगे तक ले जाऊँगा तो क्या होगा अगर इसको रोकने में फ़ायदा है कि इसको आगे ले जाने में फ़ायदा और जब कन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन हो आपस में आप भी कमिट करिए और सामने वाले से भी कमिटमेंट लीजिए उससे आपकी रिलेशनशिप में बॉन्डेज और ज़्यादा बढ़ेगी और बी कंसिस्टेंट एंड देन प्रोटेक्टिंग रिलेशनशिप इज नॉट नेसेसरी बैड नोट बी ओवर पोजेसिव बट सर्टनली प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप टेल गुड थिंग्स टू योर पार्टनर तो ये मैंने बड़ा देर से सीखा मैंने कभी अपनों को अप्रिशिएट नहीं किया चाहे मेरे भाई रहे या बच्चे रहे उनको अप्रिशिएशन नहीं दिया जब समझ में आया जब से अप्रिशिएट करने लगा उनकी अच्छी चीज़ें और जब से दोनों बातें कहना शुरू की मेरी रिलेशनशिप सबसे इम्प्रूव हुई थैंक यू इसके साथ ये कह के वाइंड अप करूँगा कि रिलेशनशिप्स लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सक्सेसफुल होने की आपकी कामना इच्छा हो तो भी पर्सनल लाइफ में भी खुश रहने के लिए रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स एंड स्पेशली फॉर अ ह्यूमन बीइंग बिकॉज वी गो थ्रू ऑल द टाइम अप्स एंड डाउन्स ये रिलेशनशिप्स ही हैं जो आपको समता में बनाए रखती आपको हेल्प करती थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट Thank you. Thank you. Thank you. अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें हमारा ईमेल आईडी है डी एस सी एट द रेट जी मीडिया डॉट एस एल ग्रुप डॉट कॉम या आप अपने सवाल हमें एस एम एस भी कर सकते हैं बस टाइप कीजिए डी एस सी स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव